वंदे मातरम शिक्षक साथियों और मंत्रालय कर्मचारियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का 9 तारीख का एक परिपत्र जारी किया गया था और इस परिपत्र में क्या क्या बातें थी मैं आपको पूरा बताऊंगा। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस परिपत्र में मंत्रालय कर्मियों के पदों का पुनर्गठन किया गया था और अधिकांश कार्यालयों में पदों में परिवर्तन हुआ है। कहीं LDC की पोस्ट यानी जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है उसको हटा दिया गया, कहीं वरिष्ठ सहायक की पोस्ट को हटा दिया गया या और कुछ संशोधन किए गए। तो एक तो मैं पहले आपको आदेश बता दूं कि क्या ये आदेश था, उसके बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि आपको इस क्या किस तरीके से ये शाला दर्पण पे आपको क्या क्या करना है, उसको कैसे अपडेट करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहे। सबसे पहले तो देखते हैं आदेश क्या है। तो शासन उप सचिव प्रथम ग्रुप एक शिक्षा विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक दिनांक 8/9/22 और 25/7/22 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में, अब जैसे ये कुछ क्रमांक है उसके बाद में है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मंत्रालय के सामवर्गों के पदों के पुनर्गठन उपरांत पद आवंटित या प्रत्यारित किए गए हैं, यानी कुछ पद हटा दिए, प्रत्यारित कर दिए गए हैं, कुछ आवंटित हुए हैं। उक्त प्रत्यारित किए गए पदों पर कार्यरत कार्मिकों का वेतन नवीन स्वीकृत उच्च पद से आरित किया जाए और नवीन स्वीकृत पद के सापेक्ष यदि कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी कार्मिक अधिक होने पर कार्यालय संस्था में स्वीकृत अन्य समान या उच्च पद, एक आपको ये ध्यान रखना है कि या तो स्वीकृत अन्य समान उसी लेवल का पद हो या उच्च ग्रेड पद के रिक्त पद से वेतन आहरित किया जाए। यदि किसी कार्मिक के वेतन आहरण है तो नवीन पद स्वीकृत नहीं है और अन्य भी पद भी कार्यालय संस्था में रिक्त नहीं है तो अतिरिक्त कार्यरत कार्मिक के नियुक्ति अधिकारी उनका वेतन अन्यत्र कार्यालय या विद्यालय के रिक्त पद से आहरित किए जाने हेतु आदेश जारी करावे। अब इसमें कुछ आगे भी बताया हुआ है कि जैसे राजस्थान सरकार जयपुर की क्रमांक FDET और के 25/2 में मंत्रालय के संवर्ग में उपरोक्तानुसार सृजित पदों में से पूर्व में किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है, यानी जैसे एक पोस्ट पर दो दो कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सृजित माना जाएगा और जैसे जैसे पदोन्नति सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होंगे अस्थायी रूप से सृजित पद है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब जो करने योग्य काम था या जो आदेश था वो ये था कि उक्त आदेशों की पालना में प्रत्यारित किए गए पदों पर, यानी कि मान लो जैसे आपके कार्यालय में कनिष्ठ सहायक का LDC का पद है वो प्रत्यारित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो उस पद पर कार्यरत कार्मिक को, अब आपके उसमें कोई कार्मिक कार्यरत है जबकि उसका पद है वो समाप्त कर दिया गया, तो उसी कार्यालय या संस्था के शाला दर्पण लॉगिन में उसको अधिशेष किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे वो अधिशेष होगा, कहाँ आपको शो होगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने नहीं और पूरा वीडियो देखें। इस संबंध में समस्त कार्यालय अध्यक्ष या संस्था प्रधान अधिशेष कार्मिक को कार्यालय या संस्था में स्वीकृत उच्च पद पर तत्काल ऑनलाइन कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें, यानी कि जो भी अधिशेष कर्मचारी है जिनके पद का प्रत्यारण हो गया है यानी वो पद समाप्त कर दिया गया है, उस पद पर कार्यरत कार्मिक है, जैसे मान लो किसी विद्यालय में LDC का पद समाप्त कर दिया तो उस LDC को आप किसी अन्य पद पे या कार्यालय में या संस्था में स्वीकृत उच्च पद पर, यानी जैसे LDC का ग्रेड पे जैसे Level 5 है तो उससे अधिक वाले पे 7, 8, 6 जो भी पद खाली है उन पे ऑनलाइन तत्काल कार्यग्रहण करवाना जाना सुनिश्चित करें। तो ये तो आदेश था। अब इसको शाला दर्पण पे आपको कैसे करना है और भी जैसे आपको मैं बताऊंगा कि अगर IFMS में आपको पहले कैसे चेक करना है कि वास्तव में आपके पद है या नहीं है, तो पूरा प्रोसेस मैं लाइव बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। तो आइए चलते हैं शाला दर्पण पे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके लिए सबसे पहले आपको IFMS पे लॉगिन करना है और IFMS में लॉगिन करने के बाद में यहाँ जैसे मास्टर डाटा है उसके नीचे बजट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके नीचे MIS रिपोर्ट, उसके नीचे सेंट्रलाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन विंडो है, इसमें आपको रिपोर्ट और रिपोर्ट में आगे आपको क्लिक करेंगे पोस्ट डिटेल ऑफिस वाइज, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने जो ऑफिस की ID है उस ID को आपको यहाँ टाइप करना है और ऑफिस ID बाकी सारे ब्लैंक छोड़ देना है, बजट वगैरह, और आप 100 PDF रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप ये PDF डाउनलोड होगी अब उस PDF को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा और यहाँ जो भी पोस्ट है वो आ जाएगी, जैसे यहाँ अध्यापक के एक पद है और व्याख्याता के जैसे 3 पद है, हेड भी आ गया, उसके बाद में दूसरे हेड में जैसे अध्यापक के 7 पद है और Level 10 के और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का के 2 पद है, प्रधानाचार्य का 1 पद है, वरिष्ठ अध्यापक का 4 पद है और वरिष्ठ सहायक का 1 पद है, जबकि शारीरिक शिक्षक का 1 पद है, कनिष्ठ सहायक का पद इसी हेड में था लेकिन अब नहीं शो हो रहा है, पहली बात। दूसरा, इसमें कुछ नए जो पद जुड़े हैं जिसमें एक जैसे ये वरिष्ठ अध्यापक का ये 1 पद है और इसके अलावा जो नया हेड है जिसमें 22/02/02/7/8/9/01/01 ये जो बजट हेड है
इसमें आप देखेंगे कि तो एक उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल का पद है L14 का, वो एक जुड़ा हुआ है, और एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो L8 है यानी 2800 ग्रेड पे का, वो भी एक पद है, वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपके एक तो यहाँ से आपको चेक करना है कि आपके यहाँ से जैसे ये बेसिक अनुदेशक का तो पद स्वीकृत हुआ है, जबकि LDC का पद है वो समाप्त हो गया है। अब इसी को आप जैसे शाला दर्पण पे आप देखेंगे तो शाला दर्पण पे आपको यहाँ कार्मिक में जा करके यहाँ स्वीकृत पद विवरण पे जाना है, और जैसे यहाँ इसको मैं एक बार लॉगिन, ये थोड़ा सा आउट हो गया तो मैं इसको लॉगिन करके आपको वापस बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ शाला दर्पण लॉगिन करके आपको यहाँ कार्मिक पे क्लिक करना है, और कार्मिक में यहाँ स्वीकृत पद विवरण पर आपको चेक करना है, और जैसे यहाँ देखेंगे तो आपके यहाँ जैसे एडवाइज पद दिख जाएंगे, प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, सीनियर टीचर है, सीनियर टीचर और टीचर थर्ड ग्रेड PTE और वाइस प्रिंसिपल और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये पद तो है आपके टीचिंग में। अब यहाँ जैसे नॉन टीचिंग पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब जैसे यहाँ नॉन टीचिंग पर क्लिक करते ही आपके सीनियर असिस्टेंट का एक पद है, जबकि जूनियर असिस्टेंट के यहाँ 00 आ रहा है। अब 00 का मतलब पहले ये पद था, लेकिन अब पद ये हटा दिया गया है। क्लास फोर्थ का जो दो पद है वो सेंक्शन बता रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के यहाँ सेंट्रल असिस्टेंट में भी 0 पद है, और स्टेट फंड में भी 0 फंड है, 0 मतलब पद है, यानी कि ये पद है प्रत्याहृत कर दिया गया है। अब इस पद पर जो भी कार्मिक कार्यरत थे उनको आपको कैसे ज्वाइनिंग करवानी है, कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ कार्मिक में जाएंगे, यहाँ कार्मिक में जाने के बाद में आपको यहाँ कार्मिक कार्यक्रम 3A पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ 3A पे आप क्लिक करेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ आपको सारे जितने भी आपके सेंक्शन पोस्ट है वो दिख जाएंगे, इसमें आपको जो आपके विद्यालय में जो जैसे यहाँ सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ एक है और एक सेंक्शन है और एक कार्यरत है, लेकिन यहाँ इसमें आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट की कहीं भी पोस्ट आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये पोस्ट हटा दी गई है। अब आपने इस पोस्ट को दोनों पे देख दिया, IFMS पे भी आपने मिलान कर लिया और शाला दर्पण पे भी आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ जैसे ज्वाइन फ्रॉम ये इसमें सरप्लस ऑन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो नाम आ जाएगा जो भी कार्मिक जो आपके यहाँ LDC के रूप में लगे हुए थे। अब जैसे मान लो UDC की पोस्ट या सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट अगर प्रत्यारित की है तो उनका नाम आ जाएगा, किसी अन्य पद की है तो उनका नाम आ जाएगा। अब जैसे हमारे कार्यालय में जैसे LDC की पद है वो प्रत्यारित करिएगा तो यहाँ इनका नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है कि जैसे इनके नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कार्यकरण पद है और कार्यकरण विषय है। अब कार्यकरण पद है तो अब जैसे आपको किस पद पर कार्यकरण करवाना है, तो अब जैसे अब यहाँ कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्टर वाला जो पोस्ट है वो खाली है, और इससे जैसे ये LDC का जो पद है वो L8 का है, L5 का, जबकि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका पद है वो L8 का है, तो ये सीनियर पोस्ट होगी यानी उच्च पद हो गया। तो अब जैसे यहाँ आपको यहाँ सर्च बार में से जाकर के बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ये आपको क्लिक करना है, और जैसे कार्यक्रम विषय यहाँ ये ब्लैंक आ जाएगा इसमें। अब क्योंकि ये उच्च पद है और यहाँ पर कोई भी कार्यरत आदमी नहीं है तो इसको यहाँ करके इसको यहाँ आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट जैसे करेंगे यहाँ कुछ और डिटेल्स आएगी। अब जिसमें सबसे पहले बजट एड मांगेगा तो बजट एड में आपको यहाँ देखना है कि बजट एड सिर्फ आपके एक ही आएगा, और वही बजट एड आएगा जो मैंने अभी बताया था, सीनियर इंस्ट्रक्टर और जैसे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और जो वाइस प्रिंसिपल का जो एड है जैसे 22020207890101। और यहाँ आपको बजट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेंट्रल असिस्टेंट ही आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल असिस्टेंट का पद है, स्टेट फंड का पद नहीं है। अब यहाँ तो हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ जैसे कार्मिक का नाम है तो नाम आपको एडिट नहीं करना है और एडिट होगा भी नहीं। उसके बाद में उसकी ID आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे और जेंडर मेल फीमेल आ जाएगा। अब यहाँ आदेशकर्ता में आपको यहाँ डायरेक्टर महोदय का जो है निदेशक महोदय का आदेश है वो लिखना है, और आदेश की तारीख है वो आप यहाँ 2022 जैसे अभी 9 तारीख को ये आदेश जारी हुआ था तो 9 सितंबर 2022 इसमें से आपको ये आदेश की तारीख क्लियर करनी है। आपको ज्वाइनिंग डेट जो कार्मिक की थी वो आपको वही रहने देनी है। उसके बाद में टाइम है आपको ये बिफोर नून करना है, करंट एम्प्लॉय जो परमानेंट है तो उसको परमानेंट रहने देना है, और उसके बाद में यहाँ सेव बटन पर क्लिक करना है, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ आप तो ये अपॉइंटेड पोस्ट है, ये जो भी जैसे जूनियर असिस्टेंट थी वही आ रही है तो वही आपको रहने देना है, और यहाँ आपको सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे आ गया कि करंटली एम्प्लॉय पोस्ट बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और अपॉइंटेड पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, यानी कि वास्तविक जो पोस्ट है अपॉइंटेड है वो तो जूनियर असिस्टेंट है, लेकिन किस पद पर आप कार्यक्रम करवा रहे हो तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पे, और यहाँ आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके यहाँ आ जाएगा ये जैसे ग्रीन कलर में आ जाएगा कि टीचर प्रोफाइल हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ जैसे ये बेसिक
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, यहाँ ये फीड हो जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ, अब जैसे एक तो ये हो गया, अब इसमें और क्या ध्यान रखना है कि अब जैसे यहाँ कोई त्रुटि रह गई है, मान लो जैसे ये कन्फर्म हो गया, कन्फर्म के बाद में अगर मान लो यहाँ कोई त्रुटि रह जाती है, आप गलती से किसी और पद में सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ आपके सामने एडिट का भी ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें से जैसे ये अब मान लो ये नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, नाम आ जाएगा और बजट हेड है वो सेंट्रल असिस्टेंट जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था वो आ जाएगा, और सब्जेक्ट है वो नील आ जाएगा। उसके बाद में एक्शन में अगर आपके कुछ इसमें चेंज करना है तो आप इसको दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें मान लो आपके कोई गलती से आदेश किसी और का लिख दिया या डेट अगर आपने कोई और लिख दी, तो जो डिफॉल्ट आ रहे हैं वो तो आपको जैसे इसमें मैं एक बार और बता दूँ कि ज्वाइनिंग डेट इनकी जो है वो रहने देनी है, परमानेंट रहने देनी है, बिफोर नून रखना है, और जो ऑर्डर डेट में आप डायरेक्टर महोदय का जो आदेश है 9/9/2022 का वो कर दें और ऑर्डर बाय डायरेक्टर ये कर दें, और बाकी चीज़ें हैं वो जैसे एम्प्लॉय आईडी वगैरह है वो सेम रहने दें। अगर इसमें कुछ चेंज नहीं है तो आप इसको कुछ नहीं करना है, और अगर मान लो आप चाहते हैं तो उसको चेंज करके सेव पे क्लिक करेंगे और फिर वापस कन्फर्म पे क्लिक करें। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको जो बजट एड आपको एक तो चेक करना है, दो बातें मैंने बता दी कि एक IFMS पे आपको एक तो पोस्ट चेक करनी है कि सैंक्शन पोस्ट कौन सी है, प्रत्यारित पोस्ट कौन सी है, और उसके बाद में शाला दर्पण पे आपको पोस्ट सैंक्शन वो चेक करनी है। उसके बाद में दिए गए प्रोसेस के अनुसार आपको जो भी सरप्लस कार्मिक है उनको वहाँ 3A में से जा करके सरप्लस कार्मिक को सिलेक्ट करके आपको जो भी पद आपके जिस पोस्ट को आपको प्रत्यारित किया गया उससे उच्च पद पे आपको उस कार्मिक को है वो ज्वाइनिंग करवानी है, कार्यग्रहण करवानी है शाला दर्पण पे ऑनलाइन। तो ये प्रोसेस आप जल्दी से जल्दी करें, और फिर उसके बाद में पे मैनेजर पे भी आप ध्यान रखें कि जैसे अभी तो बिल एलोकेट हो चुके हैं तो मान लो अभी कर दें, या अगले महीने से आप जिस हेड में कार्मिक को एडजस्ट किया है उसी हेड में उस कार्मिक को ट्रांसफ़र कर दें, एक नया पे मैनेजर पे ग्रुप बना लें, और जिस जिसमें बजट आएगा तो उस कार्मिक का जो भी वेतन आना होगा वो उसी हेड से होगा। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में आपके अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।